मेरे बारे में 50 तरह की बातें आती हैं, 50 तरह की जाती हैं। आप लोगों का प्यार देखते कि मेरी तो आंखें ही भर जाती हैं। चार के अंदर जो वादा करो है, इसने जो ना पूरा करेगा, जो चार बार करेगा जिसका हक है, ना करेगा तो हम करेंगे। इस बात प्रदेश में होने वाले निकाय उपचुनावों का जनसंपर्क अभियान दिनों दिन गति पकड़ता जा रहा है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के समर्थक अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सोहना के वार्ड नंबर 15 में होने वाली नगर पार्षद के चुनाव को लेकर दो प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नगर पार्षद के इस उपचुनाव में जहां एक तरफ मौजूदा नगर पार्षद की आकस्मिक मौत होने के बाद उनकी पत्नी चुनाव मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रत्याशी संदीप सिंगला उर्फ पिंटू भी चुनाव मैदान में हैं। अगर बात करें मौजूदा हालातों की तो इस समय संदीप उर्फ पिंटू दूसरे प्रत्याशी को पटकनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका कारण ये माना जा रहा है कि पिछली कई बार से वार्ड पार्षद बनते हुए आ रहे थे और अब उनके बाद उनकी धर्मपत्नी ने वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी। जबकि वार्ड के अंदर विकास कार्य काफी समय से मुंह फाड़े पड़े हुए हैं, जिनको देखते हुए अब की बार वार्ड व कस्बे के मौजूद लोगों ने संदीप उर्फ पिंटू को वार्ड पार्षद बनाने का फैसला लिया है, ताकि वार्ड के अंदर अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा किया जा सके। हर बार देख लियो, कभी कोई मतलब एक ही आदमी, हम तो एक बार जाने, अगली बार इससे मना कर भाई एक बार तू 3.5 साल काम कर, अगली बार किसी और का नंबर लगा, एक साल के अंदर जो वादा करो है इसने जो ना पूरा करेगा, जो चार बार करेगा जिसका हक है, ना करेगा तो हम करेंगे। इस बात काम तुमने 6 के बाद अपने आप ही। आपको दिखाई दे रही है तस्वीरें सोहना के वार्ड नंबर 15 के भुड़पाड़ा मोहल्ले की, जहां पर आप देख सकते हैं कि वार्ड पार्षद प्रत्याशी संदीप सिंगला को जहां एक तरफ लोग फूलों व नोटों की मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पगड़ी बांधकर उनको वार्ड पार्षद बनाने का भरोसा भी दिला रहे हैं। मोहल्ले वासियों के इस प्यार और आशीर्वाद को देखते हुए संदीप सिंगला उर्फ पिंटू ने भी वार्ड वासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वार्ड का विकास करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। संदीप सिंगला ने वार्ड वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि वहां उनको सिर्फ एक मौका देकर देखें, वार्ड के विकास के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा, अगर वार्ड का विकास रफ्तार नहीं पकड़े तो मुझे कान पकड़कर हटा देना और दूसरा पार्षद चुन लेना। वार्ड वासियों के बीच किए जाने वाले आश्वासन को देखते हुए तो यही लगता है कि पिंटू वार्ड वासियों की हर समस्या का समाधान करेगा, लेकिन देखना इस बात का होगा कि पिंटू अपने वायदों पर कितना खरे उतरते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि चुनाव चिन्ह मेरा छतरी है, मेरे बारे में 50 तरह की बातें आती हैं, 50 तरह की जाती हैं। आप लोगों का प्यार देख के मेरी तो आंखें ही भर जाती हैं। मैं जब इस मोहल्ले में आता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी माता है, मेरी बहनें इतनी सारी खड़ी हैं, मतलब मैं अपने बयान आपको मैं बता नहीं सकता। मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरे प्यारे सब मुझे ऐसा सम्मान देते हैं, मेरा दिल भर जाता है। मेरे छोटे छोटे भाई और नौजवान साथियों, बस मैं एक मैसेज इस भूलपाड़े से देना चाहता हूँ, इसी कहना है कि जो काम नहीं हुए मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको लगे कि बेटा तू काम नहीं कर सकता, एक साल में बोलना तेरी छुट्टी, चलो बस मेरा तो यही कहने वाला है कि एक बार सब मिलके बोल दो कि जो सबने पिक्चर तो देखी होगी पुष्पा, झुकेगा नहीं, एक बार सब बोल दो तो अपनी एकता दिखाओ। 5 तारीख को ध्यान रखना, चुनाव सिंह छतरी, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना। बता दें कि सोहना में वार्ड नंबर 15 में मौजूदा वार्ड पार्षद के आकस्मिक निधन के बाद उपचुनाव होना है, जिसका मतदान 5 नवंबर को होना है, जिसके लिए 2 पोलिंग बूथ कस्बे के कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए हैं। मतदान ईवीएम मशीन से कराया जाएगा। मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। प्रत्याशियों के समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में घर घर जाकर डोर टू डोर अभियान चलाकर वोट की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जा रही हैं। वहीं कुछ वोटर दबी आवाज में एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ वोटर अपने अपने प्रत्याशियों को खुला समर्थन दे रहे हैं। लेकिन देखना इस बात का होगा कि आने वाली 5 तारीख को वार्डवासी किस प्रत्याशी के सर पर जीत का सेहरा बांधते हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।